अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही है, थोड़ी सी बैटरी भी लो है मेरी क्योंकि बस अगेन वायरल जो है वो फैला हुआ है और मुझे जो है फ्लू हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा और इस टाइम सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है मेरा। वेल, बच्चे तो गए मैं स्कूल और मैं ये छोटा सा ब्लॉग बना के आज आप लोगों को अपडेट करी कि इंशाल्लाह थर्सडे है और थर्सडे को ही हम लोगों ने आज निकलना है मदीना शरीफ के लिए। सो आप सबको इंशाल्लाह अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी वहाँ जाके। और आप लोग कनेक्ट रहिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट मदीना शरीफ के ब्लॉग में आप लोग से मिस ना हो जाए। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अभी से। तो कल जो मैंने ब्लॉग नहीं डाला लेकिन मैंने छोटा सा एक क्लिप बना लिया था कि मैंने कल इफ्तार में क्या बनाया था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कल के इफ्तार ब्लॉग जो है वो डालूं लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, इतनी तबीयत ख़राब थी, कल फ़ीवर भी था मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल से ही मेडिसिन लेना शुरू कर दी थी, फ़ीवर डॉल कल भी ली थी, सुबह सहरी के टाइम भी ले ली थी मैंने, तो अभी जो है फ़ीवर नहीं है। लेकिन फ्लू जो है वो इस टाइम पीक पर आया हुआ है बस EVM। लेकिन इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं साथ रहेंगे, सो ज़रूर जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। और चलिए जी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने कल इफ्तार में क्या बनाया था स्पेशल अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और अपने हबी के लिए। तो आपके साथ शेयर करती हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट मदीना शरीफ के ब्लॉग देखने के लिए, मक्का शरीफ के ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर ब्लॉग। ये इफ्तार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 7th रोज़ा की 7th इफ्तार हमारी। मैंने क्रीम चाट बनाई थी उमाइजा की भरपूर फरमाइश पर। मैंने अपनी बेटी के लिए चीज़ पिज़्ज़ा बनाया था और यहाँ पर मैंने बनाए थे चिकन सैंडविचेस, जो कि टिक्का सैंडविच बेसिकली इसको कहलाते हैं, एग टिक्का सैंडविच, और ये बनाए थे मैंने। और साथ मैंने बनाए थे चिकन रोल्स जो हैं वो बनाए हुए थे मैंने, चिकन ब्रेड के जो होते हैं इस तरह का, ये इस तरह के लुक है। अब आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा ब्राउन है, सो जी बिल्कुल बैद को चीज़ जो है ना थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मुझे वाइट वाइट चीज़ नहीं पसंद है, तो इसलिए उनके लिए मैंने ब्राउन किया था। उमाइजा का नॉर्मल रखा हुआ है मैंने, उमाइजा नहीं ज़्यादा ब्राउन पसंद करती है। तो ये है आज की हमारी इफ्तार, इसके साथ जूसेस होंगे जो कि मैं अभी बना लूँगी फटाफट से। सो बस यहाँ पर मैंने इफ्तार जो है लगा दी भी और टाइम भी होने वाला है, बस 2-3 मिनट रह गए हैं। आइए मैं आपको इफ्तार दिखा देती हूँ जो कि मैंने टेबल पर सेट कर दी है, ये देखिए जी। तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। ये मुझे दस्तरखान बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर, जिस तरह सारी मैंने थीम बनाई हुई है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। देखिए जी मेरे साथ जग भी मैंने रख लिए हैं जूसेस वाले, ये मैंगो टैंग है मैं शौक से पीती हूँ, रहान और माइजा और बैद जो हैं वो ट्रॉपिकल शौक से पीते हैं, तो उनके लिए मतलब दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट बनाए। सो जी माई यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा इफ्तार ब्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। बेसिकली इफ्तार ब्लॉग नहीं है, इफ्तार ही मैंने आपके साथ शेयर किया जो मैंने बनाई थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा पूरा इरादा था कि मैं इफ्तार ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूं, लेकिन उस टाइम हिम्मत नहीं हुई मेरी बिल्कुल भी। फिर मैंने फटाफट से सारी इफ्तार जल्दी से रेडी करके फिर मैं सो गई थी और उठ के मैंने उन सब चीज़ों को बेक कर लिया था। तो बस उठते ही मैंने उठ के जिस टाइम मैं इफ्तार के टाइम कल उठी थी तो मुझे उस टाइम फीवर भी हो चुका हुआ था काफ़ी, और फिर मैंने फटाफट से इफ्तार रेडी किया और फिर मैंने आपके लिए छोटा सा क्लिप बना लिया कि ये मैंने आज स्पेशल बनाया था इफ्तार। तो बस आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा ही है लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मदीना शरीफ हम लोगों ने अभी निकलना है थोड़ी देर तक, बस अभी हम लोग निकल पड़ेंगे मदीना शरीफ के लिए। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और 2 बजे इंशाल्लाह हमारा डेड लाइन है कि हमने इंशाल्लाह 2 बजे निकल पड़ना है, क्योंकि सब जो है 1:30 बजे तक सब घर पहुँच चुके होंगे। वो बैद को 12 बजे छुट्टी होगी तो वो ऑफिस से मीन्स के, तो वो पहुँच जाएंगे तकरीबन 12:45 तक या 1 बजे तक। रोहान को होती है 12:15 तो वो 12:30 घर आ जाता है। उमाइजा को होती है 1 बजे तो वो 1:30 बजे तक पहुँच जाएगी। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह सब ड्रेसेस अपने चेंज करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम निकल पड़ेंगे। अभी जाके फटाफट से मैं तो सारी तैयारी कर लेती हूँ, सब ड्रेसेस जो प्रेस होने हैं रखने वाले हैं बैग में, और जो चीज़ें रखने वाली हैं सारी बच्चों के पैम्पर वगैरह वो सब कुछ मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा मदीना शरीफ के सफ़र का व्लॉग। और उसके लिए थोड़ी सी मुझे एनर्जी चाहिए होगी, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट दूँगी अपने आप को ब्लॉग से, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बना रही, ज़्यादा शूट नहीं कर रही पैकिंग वगैरह का, ताकि मेरे में एनर्जी हो मैं सफ़र मदीना का व्लॉग बना सकूँ और इंशाल्लाह मदीना शरीफ पहुँच के वहाँ का सारा व्लॉग शूट कर सकूँ आप सबके लिए।
चलिए जी, बस ये इस ब्लॉग को मैं करती हूँ इधर ही एंड। छोटा सा ब्लॉग है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट प्यारे प्यारे ब्लॉग मिस ना हो जाए, क्योंकि इस वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं मदीना शरीफ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पर हम लोगों का उमरा है, उमरा अदा करने हमें जा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बस तंदरुस्ती दे मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे हबी को। आप लोगों ने ज़रूर हमें अपनी दुआओं में, स्पेशल दुआओं में याद रखना है। रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, इसमें हर दुआ कबूल होती है, तो आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा हम सबको कि हम सब बिल्कुल ठीक ठाक रहें, खैरियत से रहें। और चलिए जी, अब मैं आपसे मिलती हूँ सफ़र मदीना के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग हमेशा से मेरी दुआओं का हिस्सा हैं। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, बाय बाय।